मॉर्निंग, बहुत धूप है। अभी मैं हूँ छत पर, मैं और मेरा हस्बैंड, और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 7। तो आज प्रियांशु का स्कूल भी नहीं है, तो हम लोग चिड़िया को दाना देने के लिए आए थे। हर सुबह मेरे हस्बैंड आते हैं, आज मैं भी आ गई हूँ। आप लोगों ने देखा कितना सारा चिड़िया आते हैं छत पर दाना खाने के लिए। तो हर रोज़ मेरे हस्बैंड आते हैं और चिड़िया को दाना देते हैं, आज मैं भी थोड़ा सा साथ दिया। बहुत अच्छा लगता है ना ऐसा करने में। और आज का वेदर देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन, पीछे से एकदम नीट एंड क्लीन है आज का वेदर। और इधर मेरा हस्बैंड कर रहा है छत पर जॉगिंग। चलिए अब नीचे चलते हैं। प्रियांशु सोया हुआ है, त्रिनान का आज कंप्यूटर है, त्रिनान अभी पढ़ाई कर रहा है, रिवीजन ले रहा है। ये देखिए ऊपर सब बैठे हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मेरा चाय बन रहा है, अदरक वाली चाय बना रही हूँ, ब्लैक टी। क्या कर रहे हो प्रियांशु? खाना कर रहे हो? ओके बेटा, माय स्वीटहार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, ये लंच के लिए। और सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाई थी रोटी और उसके साथ सब्जी। तो त्रिना नवे भी ब्रेकफास्ट करके चले गए स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा हस्बैंड ही गए हैं छोड़ने के लिए, और आज प्रियांशु भी गए हैं उसके दादा को छोड़ने के लिए, क्योंकि प्रियांशु का आज स्कूल नहीं है, आज उसका स्टडी लीव है क्योंकि मंडे से एग्ज़ाम है प्रियांशु का। तो प्रियांशु सुबह से तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने देखा है, वो कलर कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अभी तक ये फील ही नहीं है
की एग्जाम क्या होता है, तो क्या बोलूँ मैं उसे, तो मैंने बोला चलो बेटा थोड़ा पढ़ाई कर, तो तू बोला नहीं कलर करना है, सारा कलर कलर बुक ये सारा कुछ लेकर बैठ गया और कलर कर रहा है अब वो। तो मैं चिकन बनाऊंगी और उसके साथ साथ घर का क्लीनिंग भी कर लूंगी, और अभी टाइम हो रहा है ज़्यादा नहीं, 10:30 बज रहा है, तो चलिए अभी का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लंच हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। कुछ नहीं अच्छा, तो मैं प्रियांशु को सुला दूंगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लूंगी, क्योंकि अभी तो कुछ काम नहीं है, तो थोड़ा सा ही रेस्ट ले लूंगी, उसके बाद काम पे लग जाना है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। और 39 आज एकदम आज़ाद है, क्योंकि आज कंप्यूटर था, कंप्यूटर ख़त्म हो गया, और उसके बाद फ्रेंच है वेडनेसडे को, तो इसके लिए लंबा छुट्टी है, तो आज एकदम वो आज़ाद है। Thank you.
फ्रेंड्स हमारे घर आज कुछ गेस्ट आए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। शाम से हम सब लोग एक साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। ये है त्रिनयन का फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड्स नहीं है, मेरा बच्चे हैं ये सारे। ये है निकिता, हाय, और वो है नंदिनी, हाय। तो ये लोग हमारे घर के पास ही रहते हैं। और ये है प्रियांशु, और त्रिनयन का फ्रेंड है, एंड देट इज प्रियांशु। सो ये लोग एक साथ स्टडी करते हैं, एक साथ स्कूल से आते भी हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और जब ये लोग छोटा था तो एक साथ ही ट्यूशन में पढ़ते थे, एक ही नर्सरी स्कूल में पढ़ते थे। मतलब हम लोगों का रिलेशन बहुत दिनों का। तो आज ये लोग एक साथ क्यों है इसका कारण बताएगा त्रिनयन। We have gathered here today because we are celebrating Happy Independence Day. Because our annual exam is over and now we are bindaas. झूठ झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ, क्योंकि अभी फ्रेंड्स नहीं हुआ। फ्रेंड्स है वेडनेसडे को, पर लॉन्ग छोटा मोटा चीज है, अच्छा से पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा। अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि फ्रेंड्स है वेडनेसडे को, सोते रहो ना, वेडनेसडे को फ्रेंड्स है, पर फ्रेंड्स का टेंशन ये लोग बिल्कुल ही नहीं लेता है। तो इसलिए इन लोगों का जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है वो खत्म, इसलिए आज इन लोगों का इंडिपेंडेंस डे, तो इसलिए ये लोग आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग सब आज एक साथ है। मैंने शाम को तो मैंने बुला लिया, चलो आज आ जाओ तुम लोग घर पे, सब लोग मिलके इकट्ठे रहेंगे। एग्जाम स्टार्टिंग होने से कुछ दिनों पहले से और एग्जाम एंड होने तक इन ये लोग सिर्फ घर पे पढ़ाई 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 को लेकर बिजी था, तो इसीलिए आज थोड़ा रिलैक्स करना तो बनता ही है। तो इसीलिए आज हम सब एक साथ है। तो त्रिनयन का फ्रेंड मतलब मेरा भी फ्रेंड है ना। तो मैंने बोला तुम लोग एकदम डिनर करके ही घर जाओगे, तो इन लोगों को डिनर करके ही मैं घर भेजूंगी। घर पास में ही है, दूर नहीं है, तो मेरा हस्बैंड पहुंचे लेकर आएगा। तो चलिए मैं मेरा काम करती हूँ और ये लोग इन लोगों का काम। सुबह सुबह मैं शावर लेकर पूजा कर लिया और ब्रेकफास्ट भी बना लिया। ब्रेकफास्ट में आज पूरी और आलू की सब्जी बनाई हूँ मैं। आज सैटरडे है, भेज भी है और एकादशी भी है, तो एकादशी में मैं और मेरा हस्बैंड राइस नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए ब्रेकफास्ट और लंच तो हम लोगों का बन गया। सिर्फ प्रियांशु और त्रिनयन के लिए मैं दोपहर में थोड़ा सा खिचड़ी बना लूँगी, तो हो जाएगा मेरा किचन का काम। और शावर लेने से पहले मेरा डस्टिंग वगैरह सब कुछ कम्प्लीट, तो मैं अभी फ्री हूँ। तो फ्री नहीं हूँ एक्चुअली, मैं ये वीडियो का एडिट करूँगी और उसके बाद अपलोड में लगा दूंगी। तो कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रात हो गया था, जो त्रिनयन का जो फ्रेंड्स लोग आए थे तो जाने में बहुत लेट हो गया था, तो उन लोगों के साथ मस्ती करने में मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, तो इस वजह से मैं और शूट नहीं कर पाई। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सो आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और ऑब्वियसली मेरे ब्लॉग के साथ रहिए। और एक बात, मैं मेरा किचन टूर का जो वीडियो डाली थी वो वीडियो आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स आ रहा है, इससे मेरा हौसला और भी बढ़ रहा है।
तो इस तरह से ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आगे मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ। मेरे हाउस टूर के लिए भी कमेंट्स आ चुके हैं, पर थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि मेरे घर का कुछ फर्नीचर चेंज होने वाला है। तो चेंज हो जाए तो उसके बाद मैं हाउस टूर भी डालूंगी बहुत जल्दी, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। और आप लोग इस तरह से मेरे हौसला बढ़ाइए, मेरे साथ बने रहिए और मुझे अच्छे से कॉमेंट्स कीजिए। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और ऑब्वियसली मेरे ब्लॉग के साथ रहिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है। सो बाय बाय।